अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लस्सी बनाने की रेसिपी। गर्मी आते ही हर किसी को ठंडी ठंडी लस्सी पीने का मन करता है। तेज़ गर्मी में अगर कोई ठंडी ठंडी दही की लस्सी हाथ में दे दे तो मज़ा ही आ जाता है। इसे पीकर एकदम रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा फील होता है और पेट एकदम ठंडा रहता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कप दही ले लिया है। ये दही जो है घर की है, और आप चाहे तो बाहर का भी, मार्केट वाला भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डाला है। अब इसमें 3-4 चम्मच रो अफ़ज़ा डाल देंगे। रो अफ़ज़ा से अच्छा फ्लेवर आता है, आप बगैर रो अफ़ज़ा के भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स, और अब इसमें थोड़ा डाल देंगे, 2 चम्मच यहाँ पर डाल देंगे आइस क्रीम। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आता है और पीने में बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें ठंडा पानी डाल देंगे 1 कप। दही आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले ले कि आपको कितने गिलास बनानी है लस्सी, उस हिसाब से ले ले। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास बनाऊंगी, उसी हिसाब से मैंने 1 कप दही लिया है। और अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है इस तरह से। आप दाल मिक्स करने वाले दाल घूटनी से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। गर्मियों में अगर आप इस तरीके का हेल्दी ड्रिंक पियेंगे तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। ये ड्रिंक पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो देखिए, हमारा लस्सी जो है रेडी हो गया। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास ले लेंगे, इसमें डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल लीजिएगा। और अब इसमें डाल देंगे बीट किया हुआ लस्सी। दूसरी बारी ग्लास में मैंने थोड़ा सा रो अफ़ज़ा डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें लस्सी डाला है। और ये देखें, हमारा लस्सी जो है रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से थोड़ा सा आइसक्रीम डाल देंगे, अच्छा लगता है इस पीने में। गर्मी में लस्सी पीने का एक अलग ही मज़ा है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने देखा कितना झटपट से ये बनकर रेडी हो गया। घर पर कोई भी मेहमान आए, कोई भी गेस्ट आए, तो आप इसे आसानी से बनाकर दे सकते हैं। गर्मी में मिलेगा ठंडक का एहसास रो अफ़ज़ा लस्सी के साथ। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में ये लस्सी खूब पिया जाता है, क्योंकि इसे पीने से पेट एकदम ठंडा और भरा रहता है, अंदर से एकदम रिफ़्रेशिंग फील होता है, बहुत ही मज़े का लगता है ये पीने में। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।